होंगे, खैरियत से होंगे, फिट होंगे, थोड़ा सा होंगे, मज़े में होंगे। आज की वीडियो अगेन उसी सीरीज़ के रिलेटेड जो पहले से मैं बना रहा हूँ कि एप्लीकेशन का जो काम है, ऐप पब्लिश करने का, ऐप अपडेट करने का, ऐप वर्क के ऊपर, ये वीडियो उसका रिलेटेड है। तो आज की वीडियो खासकर अपडेट के ऊपर है कि जो मेरा पहले वाला अकाउंट था जो मैंने पहले से बनाया हुआ था, जिस पर मैंने आपको पेमेंट प्रूफ भी दिखाया था, आपको अपनी आईडी दिखाई थी, दूसरी वीडियोज़ की सीरीज़ तो नया अकाउंट क्रिएट करके उसके ऊपर स्टार्टअप लिया। सो ये अपडेट के ऊपर है। और अगर यार चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दो, ताकि आने वाली वीडियोज़ भी आपको मिलती रहे। इस तरह के स्किल्स की वीडियोज़ जो होती हैं या इन्फॉर्मेशन की होती हैं वो आपको मिलती रहे, ठीक है। तो ये वीडियो अपडेट करने के रिलेटेड कि वीडियो ऐप को हमने अपडेट किस तरह से करना है, जब वो हमें अपडेट देंगे कि ये अपडेट आई पड़ी है, इसको आप जो अपडेट कर दो हमारी एप्लीकेशन को, और उसके हमें $10 मिलते हैं एक अपडेट लगाने के, और हफ्ते में एक आधी अपडेट आ जाती है, लाजमी आ जाती है। तो एक किस्म की एक्स्ट्रा अर्निंग होती है इस एप्लीकेशन की वेबसाइट के ऊपर। तो इसका स्क्रीनशॉट के साथ स्टेप बाय स्टेप उन्होंने बताया हुआ होता है, तो मैं आपको प्रॉपर सारा तरीकेकार करके दिखाऊंगा। और वीडियो पूरी देखा करो यार, कोई भी अगर स्किल की वीडियो देखते हो तो वीडियो जब पूरी देखोगे आपको प्रॉपर तरीकेकार की काम की समझ आएगी, काम करना किस तरह से है, उसका तरीकेकार क्या है, उसको किस तरह से हमने जो है एंड तक लेके जाना है। तो पूरी वीडियो देखो और समझोगे काम किस तरह। जी हम आ गए हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे नया टास्क अपडेट का आया पड़ा है। अपडेट के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि अपडेट की वीडियो जो है वो बनाएंगे, कि ऐप वर्क के ऊपर जब अपडेट की आती है, टास्क आता है, तो उसको किस तरह से हमने एग्जीक्यूट करना है। तो ये टास्क है, इस तरह से आपके डैशबोर्ड के ऊपर आएगा। टास्क डिटेल्स ओपन करेंगे, अपडेट ऐप, वेट फॉर द ऐप पब्लिकेशन, सेम प्रोसीजर पिछली ऐप अपडेट पब्लिश करने की तरह, और वेट फॉर द ऐप पब्लिकेशन, फिर वेट फॉर योर टास्क बीन चेक्ड अप टू डेज, गेट योर रिवार्ड etc. दो घंटे का टाइम है, दो घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट करना है। आपका टाइमर स्टार्ट हो जाता होता है और टाइम ज़्यादा नहीं लगता, 20-25 मिनट, आधा घंटा, घंटा लग सकता है अगर कोई फाइल्स बड़ी आ जाए तो, अदरवाइज नहीं, ठीक है। लॉग इन टू योर डेवलपर अकाउंट, तो इसको हम ओके कर देंगे ताकि हमारा जो डेवलपर अकाउंट है गूगल पे कंसोल का वो ओपन हो जाएगा, गूगल कंसोल का अकाउंट, ठीक है। गो टू प्ले कंसोल, इसको ओपन करेंगे और इसको नेक्स्ट स्टेप कर देंगे ताकि हमें जो अपडेट ऐप वाले जो ऑप्शंस हैं 14 हैं, तो इसके ऊपर जो है हमें पता चलता रहे वो क्या क्या चीज़ कह रहे हैं। ये ओपन हो गया, ओपन होने के बाद उन्होंने कहा जी अपनी एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना है जो अपडेट की है, अपडेट करनी है, या इसको करेंगे क्लिक करने के बाद इधर है नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप हमने ओपन किया, डेटा सेफ्टी, ठीक है, चूज़ ऐप कंटेंट, ऐप कंटेंट, क्लिक स्टार्ट ऑन डेटा सेफ्टी, यहाँ पे आएँ, ऐप कंटेंट कहाँ पे है, यहाँ पे ऐप कंटेंट नहीं है, ऐप कंटेंट हम यहाँ से ढूंढेंगे कि ऐप कंटेंट किस जगह पे है, और ऐप कंटेंट ये लास्ट पे खड़ा है। ये चीज़ें खास ख्याल रखनी है कि आपने सिर्फ स्क्रीनशॉट नहीं देखना, आपने साथ में उसके ये भी देखना है कि उन्होंने लिखा क्या है। चूज़ ऐप कंटेंट, क्लिक स्टार्ट ऑन डाटा सेफ्टी, अब डाटा सेफ्टी कहाँ पे है, यहाँ पे डाटा सेफ्टी का कोई ऑप्शन ये आ गया है, डाटा सेफ्टी, ठीक है। नीड अटेंशन पे आप इसको ओपन करेंगे, यहाँ खुलेगा, आपने एक्शन में देखना है और ये डाटा सेफ्टी पर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये स्टार्ट का कह रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ से हम कैसे इसको करेंगे, इंपोर्ट फ्रॉम CSV, इंपोर्ट फ्रॉम CSV, यहाँ को ऑप्शन है डाटा सेफ्टी, ये मैनेज को क्लिक करेंगे ताकि ये ओपन हो जाए, वेरी गुड, मैनेज भी ओपन किया। मैनेज ओपन करने के बाद इंपोर्ट फ्रॉम CSV इस पर क्लिक करके देखें, यहाँ से कोई फाइल वगैरह तो नहीं है, नहीं है, सॉरी, इंपोर्ट फ्रॉम CSV, ड्रॉप अ CSV फाइल हेयर टू अपलोड। अब भाई यहाँ पे हम कौन सी फाइल अपलोड करें, वैसे सोचने की बात है, तो नेक्स्ट स्टेप करेंगे और ये कहेंगे डाउनलोड CSV फाइल बिलो एंड अपलोड देम टू द कंसोल। सो CSV फाइल, ये हमारी CSV फाइल हो गई डाउनलोड, ओके। अब हमने करनी है अपलोड कंसोल में, यहाँ अपलोड CSV ओपन, और ये फाइल जो हमारी अपलोड हो रही है इसके ऊपर, यहाँ पे अपलोड होने के बाद ये इंपोर्ट का ऑप्शन हमने दबा दिया, इंपोर्ट, ठीक है। यहाँ ये भी यही कहेंगे, मैं इसलिए पहले कर दिया, लेकिन आपको ये इंपोर्ट और ये इंपोर्ट जो मैंने अभी दोनों स्टेप कर दिए हैं यही करना था, क्योंकि फाइल इंपोर्ट करनी थी। इसके बाद हमने करना नेक्स्ट पे क्लिक, ये ओके हो गया, ओके होने के बाद ये नेक्स्ट का ऑप्शन है, नेक्स्ट एक दफ़ा हमने दबा दिया, ठीक है। आगे क्या ऑप्शन ये देंगे, आगे इनका जो ऑप्शन है
सबमिट का है। अब ये थोड़ी सी टेंशन है सबमिट, यहाँ एक बार फिर से हमें सबमिट नहीं नेक्स्ट करना पड़ेगा, फिर से नेक्स्ट करना पड़ेगा, ये फिर नेक्स्ट कर दिया और नेक्स्ट करने के बाद ये आ गया हमारा सेव। करना तो सेव है ना, और गो टू ओवरव्यू करना है, यानी कि सबमिट होगी सेंड, ये सबमिट करना है, सेंड वन चेंज फॉर रिव्यू। जैसे मैंने पिछली बार बताया था लेआउट थोड़ी सी चेंज है, उनके स्क्रीनशॉट्स थोड़े से पुराने हैं, सो हमने वो सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, मतलब सेंड फॉर रिव्यू हमने कर देना है। सो यहाँ से हम सेंड वन चेंजेस फॉर रिव्यू कर देंगे, ये वो सबमिट हो गया। सबमिट होने के बाद उनका नेक्स्ट स्टेप है प्रोडक्शन के अंदर जाने का, वो कह रहे हैं जी आप प्रोडक्शन के अंदर जाओ। सो हम प्रोडक्शन में जाएंगे, ये हमारी प्रोडक्शन है रिलीज़ के अंदर, ठीक है, रिलीज़ के अंदर प्रोडक्शन। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्लिक करने से हमें क्या बता रहे हैं कि आपने क्या करना है, क्रिएट न्यू रिलीज़, क्रिएट न्यू रिलीज़ ये ऑप्शन आ गया। यहाँ पे क्रिएट न्यू रिलीज़ में इन्होंने क्या ऑप्शन बताया कि हमने क्या करना है, ऐप बंडल अपलोड और सेव एंड रिव्यू रिलीज़। अब ये फाइल है, ये डाउनलोड द फाइल, ब्लू कलर हुआ खड़ा है, इसको हम डाउनलोड करेंगे, और ये फाइल लंबी ना हो, 75 MB की फाइल है, कोई बात नहीं इतनी लंबी नहीं है, लेकिन आप वीडियो पूरी देखो ताकि आपको प्रॉपर समझ आए, और 4 मिनट लगेंगे मुझे कह रहे हैं। तो है अपलोड की जगह आ गई है, यहाँ पे हम लोगों ने अपलोड करके सेव एज ड्राफ्ट्स या नेक्स्ट करना है, लेकिन इधर हमारे पास ऑप्शन क्या है, रिव्यू रिलीज़ एंड सेव का ऑप्शन आ रहा है, तो कोई इतनी मसले वाली बात नहीं है। मैं वीडियो को थोड़ा सा पास कर देता हूँ, पास करके दोबारा चला लूँगा जितनी देर में वीडियो अपलोड होती है, और अभी आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से जो अपलोड करनी है। जी अब हमारी एप्लीकेशन हो गई है अपलोड डाउनलोड, तो यहाँ पे करेंगे हम अपलोड। ये थोड़ा सा मसला हो गया कि ये कौन सी थी, मुझे थोड़ा सा भूल गया, 1 मिनट इसको यहाँ से हम देखते हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन है ये 09 वाली है, ये जो अभी रिसेंट है, रिसेंट यही है, एंड पे C09। सो हम इसको जो है अपलोड करेंगे C09, सॉरी यस। अपलोडिंग में कितना टाइम ले जाएगी, थोड़ा सा टाइम लेगी, हम तब तक देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है। अपलोड करने के बाद रिव्यू रिलीज़ करनी है, यानी कि नेक्स्ट 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 और रिव्यू और जो भी वो आगे ऑप्शन आएगा हमने उस पर क्लिक कर देना, ताकि रिव्यू रिलीज़ जो है वो हो जाए। और इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या है ज़रा उसको देख लेते हैं। आई थिंक बस 2-3 स्टेप बाकी रह गए, 12, 14, 15। स्टार्ट रोल आउट टू प्रोडक्शन, ये स्टेप होगा, और नेक्स्ट जो है वो हमारा ऑप्शन होगा रोल आउट टू प्रोडक्शन रोल आउट, और फिर आखिर में वही हमने जो है उसका फ़ोटो बना के स्क्रीनशॉट वो भेजना है, ठीक है। बहुत सिंपल सा काम है और बहुत छोटा सा टास्क था आज तो, ये अपडेट करने वाला, लास्ट टाइम अपडेट वाला ज़्यादा बड़ा था। अब आई थिंक ये जब अपलोड होगी तो जैसे यहाँ पे ये रिलीज़ नेम है ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक एप्लीकेशन का जो वर्जन है आई थिंक वो चला जाएगा, अब चला जाएगा जैसे पहले था, ठीक है। तो ये अभी अपलोड हो रही है, जैसे ही अपलोड अभी ये कम्प्लीट होती है तो मैं आगे का आपको स्टेप बताता हूँ, समझाता हूँ इसको। जी तो ये हो गई हमारी जो एप्लीकेशन है वो अपलोड, ठीक है। अपलोड होने के बाद हमने करना है सेव एज ड्राफ्ट, ये चेंज हो गया जैसे मैंने आपको बताया, रिलीज़ नेम चेंज हो गई है, नेक्स्ट, ठीक है। ये नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट करने पे क्या होगा, 1 एरर, वाई अपडेट डिक्लेरेशन, यार इसको अपडेट करके आते हैं। डज योर ऐप यूज एडवर्टाइजिंग ID? नो, ठीक है, यस, नो, सेव, गो टू ओवरव्यू, पब्लिशिंग ओवरव्यू पे जाएंगे और सेंड फॉर रिव्यू कर देंगे, चेंजेस सेंड फॉर रिव्यू, यानी कि जैसे ये रिलीज़ हमें करने का कह रहे थे कि जी आप वो रिव्यू रिलीज़ स्टार्ट रोल आउट टू प्रोडक्शन, और रोल आउट और वो बात यही है कि जी आपने उसको चेंजिंग के लिए भेज दिया, ठीक है। भेजने के बाद यहाँ हम इनबॉक्स में अगर देखना चाहें तो हमें कुछ ना कुछ ये बता देंगे, अपडेट हैज बीन पब्लिश्ड और अदरवाइज, सॉरी ऐप ऑल ऐप्स के अंदर जाएंगे, ये इन रिव्यू आ गई है 16/2023, और ये रिव्यू आने के बाद हमने इसका लेना है जी स्क्रीनशॉट, ये स्क्रीनशॉट लिया, सेव,
ये सेव हो जाएगा 19 के नाम से, स्क्रीनशॉट 19, और इधर भाई यहाँ पे अपलोड कर देना इसको 19 ओपन। ये जी इंटरव्यू और ये कंप्लीट द टास्क, ये ऐप अपडेट करने का टास्क हमारा जो था ये हो गया है कंप्लीट। और ये कंप्लीट होने के बाद ऑन मॉडरेशन टास्क करंटली बी चेक्ड बाय आवर मॉडरेटर, दिस प्रोसेस कैन अप टू 7 डेज। अच्छा 7 दिन तकरीबन वो कह रहे हैं लगेंगे, लेकिन ये 1 से 2 दिन के अंदर अंदर ये वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद 1-2 दिन के अंदर ये वेरीफाई हो जाएगा और फिर गेट द रिवार्ड ये हमारा इधर आ जाएगा और हम इसको जो है विदड्रा करवा सकते हैं। अब ये तरीका जो है जो मैंने आपको बताया ये ऐप अपडेट करने का तरीकाकार है। ये इंटरव्यू में चली गई है हमारी ऐप और इसको हम ओपन करके देख भी सकते हैं, यहाँ से जो एप्लीकेशन हमने अपलोड की हुई थी पब्लिश की हुई थी अब वो आज उसकी अपडेट की है। और इन रिव्यू वो पब्लिशिंग रिव्यू ओवरव्यू आप कुछ भी यहाँ से देख सकते हैं, ऐप कंटेंट और ये वो, और जो चीज़ अगर आप ऐप्स के बारे में जानते हैं, तो मैं इतना नहीं जानता, सो मुझे जितना पता है मैंने वो आपको बता दिया है और ये अपडेट करने का तरीकेकार था। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।